हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अनिष्का का किचन में। आज आपको हम बताने जा रहे हैं कुट्टू के आटे के पकौड़े कैसे बनाए जाते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको आप व्रत में, नवरात्र के व्रत में खा सकते हैं दही के साथ। बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आने वाले और वीडियो आपके सामने शेयर कर सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, कुट्टू के आटे के पकौड़े बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो ये हमने 250 ग्राम कुट्टू के आटे लिए हैं और 400 ग्राम उबले हुए आलू, और यहाँ पे हमने एक चम्मच काली मिर्च। यहाँ पर हम लाल मिर्च नहीं ऐड करेंगे, व्रत में हम काली मिर्च ही ऐड करेंगे खाने में। यहाँ पर हमने व्रत का नमक लिया है, सेंधा नमक 1.5 चम्मच। चलिए फ्रेंड बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम आलू को मैश करके रखेंगे तोड़ते हुए। अब इसको हम अच्छे से हाथों से मैश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने आलू को एकदम अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कुट्टू का आटा। अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, ऐड करेंगे आधा ही डालेंगे, और आधा हमने इसमें डाल लिया, आधा हम दही में यूज करेंगे इसको। और सेंधा नमक, ये हम व्रत का नमक डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार। नमक थोड़ा ज़्यादा रखेंगे हम, क्योंकि व्रत का नमक हल्का होता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें हम ज़्यादा डालेंगे। तो चलिए अब इसको हम सबको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए, जो इसको मिश्रण था हमने एकदम इसको मिक्स कर लिया है, और ये बहुत डो जो है बहुत टाइट है, कड़ा है। इसमें थोड़ा हम पानी डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा इसका आटा हम लूज रखेंगे पकौड़ी छानने के लिए। तो थोड़ा सा पानी इसमें और हम ऐड कर देते हैं। इसका आटा जो है, जो मिश्रण, इसको हमको इतना तैयार करना है कि हाथों से अच्छे से पकौड़े की तरह इसको उठा के हम बना सकें। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अभी बहुत सूखा है ये, तो थोड़ा सा इसमें पानी हम और ऐड करते हैं। ये देखिए, जो हमारा कुट्टू के आटे का जो ये है पेस्ट है, मिश्रण है, ये बन के तैयार हो गया अच्छे से। अब इसको चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, गैस हमने ऑन कर लिया और हमारा तेल जो है गर्म हो गया है। तो इसमें पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पर पानी ले रखा है, और जल्दी से मतलब पकौड़े को फिसलने के लिए हाथों से सबसे पहले हम पानी लगा लेते हैं। पकौड़े बना रहे हैं, आपने मीडियम साइज का बना सकते हैं पकौड़े। गैस ज्यादा हम तेज नहीं रखेंगे। ये देखिए, आगे से हल्का पीछे से हल्का ब्राउन हो गया, इसको हम पलट लेते हैं। ये देखिए, इसको हमने धीमी आंच पे दम पकाया, अच्छे से सीझ भी गया। इसको हम धीमी आंच पे सिझाएंगे कि कच्चा ना रहे, अंदर से सीझ भी जाए। तो अच्छे से सीझ भी गया है, तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। हमने छोटे पकौड़े बनाए हैं, आप अपने मीडियम से बना सकते हैं किसी भी साइज का पकौड़े। ऐसे ही हम और बना लेते हैं। ये देखिए, जो हमारे कुट्टू के पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं, और इसकी जो तासीर होती है गर्म है, और इसको हम दही के साथ खा सकते हैं। दही में हम डालेंगे व्रत का नमक और काला मिर्च, और ये सर्व करने के लिए रेडी हो गया है दही भी। तो फ्रेंड्स, नवरात्र के व्रत में आप इसको खा सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी आता है और बहुत ही क्रिस्पी है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।